हेलो एवरीवन वीकेबी स्पेशल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैं हूँ मीनाक्षी हेडाउ होस्ट फॉर द शो हमारी एज अ सिटीजन एज अ टैक्स पेयर सिटीजन हमारे पास ऐसे कई अधिकार होते हैं जो दिए जाते हैं कई अधिकारों की हमें जानकारी होती है हम उसका इस्तेमाल भी करते हैं लेकिन ऐसे कई अधिकार हैं जो शायद आपको या मुझे ये पता भी नहीं है और ये अधिकार आपको मिलने चाहिए इन ऐसे ही अधिकारों पर हमारे नागपुर सिटीजन फोरम काम कर रही है अब ये अधिकार कौन सा है इसका क्या काम हो सकता है इसका फायदा आप लोगों को कैसे मिल सकता है इन सारी जानकारी के लिए हमारे साथ है नागपुर सिटीजन फोरम के सदस्य जिसमें मैं बुलाना चाहूंगी रजत पडोले जी अमित सर और अभिजीत झा सर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है नागपुर सिटीजन फोरम एक कैंपेन चला रहा है जिसका नाम है राइट टू पी अब ये राइट टू पी है क्या चलिए उन्हीं से जानते हैं रजत सर राइट टू पी ये कैंपेन क्या है मैम भारत सरकार ने दो uh, हज़ार से जो स्वच्छ सर्वेक्षण uh, एक कैंपेन चला है तो स्वच्छ सर्वेक्षण में अगर हम देखें तो 2020 में नागपुर शहर की जो रैंकिंग थी वो 18 थी उसके बाद 2021 में वो रैंकिंग फिसल कर तेईस पर आ गई तो हमने उसके रीज़न्स देखे तो उसमें एक सबसे बड़ा रीज़न था स्वच्छता का अब उसमें वेस्ट मैनेजमेंट भी आता है और पब्लिक टॉयलेट्स की फैसिलिटी भी आती है तो हमने वेस्ट मैनेजमेंट पे हमने इसके पहले भी बहुत फोकस किया हमने बहुत सारी एक्टिविटीज़ ली बिन फ्री सिटी को लेके जो काम एनएमसी ने किया था उसके लिए भी हमने कुछ एक्टिविटीज़ की उसको बहुत अच्छा रिस्पांस लोगों से भी मिला एनएमसी भी मिला एनएमसी से भी मिला तो अभी जो भी कचरों के जो पैलेट्स हैं वो अभी कम हो चुके हैं अब अगर देखा जाए तो एक पब्लिक पब्लिक टॉयलेट्स का एक बहुत बड़ा सवाल था अब उसमें भी हमने थोड़ा देखा कि सीताबड़ी इतवारी और महल ये जो तीन मेजर मार्केट्स हैं यहाँ पे डेली बहुत सारे लोग विज़िट करते हैं वहाँ पे बहुत सारे व्यापारी लोग भी हैं उनके यहाँ पे जो कर्मचारी लोग काम करते हैं वो भी उनको भी अगर पब्लिक टॉयलेट यूज़ कर रहे हैं उनको भी अगर टॉयलेट की फ़ैसिलिटी चाहिए तो वहाँ पे वो अवेलेबल नहीं है क्लीन टॉयलेट्स तो बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है तो इसीलिए हम सब ने मिल एक राइट टू पी करके एक कैंपेन की शुरुआत की अब इस कैंपेन के तहत हमने परसों सीताबी में लगभग नाइन्टी लोगों से बात की उनका सिग्नेचर लिया तो उन्होंने इस कैंपेन में बहुत अच्छा आ, सपोर्ट किया है हम लोग अभी कोशिश कर रहे हैं कि इस कैंपेन के थ्रू हम पूरे नागपुर का सर्वे करें हम हमारी ये भी कोशिश है कि जिस प्रकार स्वच्छ सर्वेक्षण में इंदौर कंटिन्यूसली लगातार पाँच बार नंबर वन पे आया हुआ है तो इंदौर जो भी मॉडल इम्प्लीमेंट कर रहे हैं वेस्ट मैनेजमेंट में हो या पब्लिक टॉयलेट्स के लिए हो तो वो भी मॉडल की स्टडी हम लोग कर रहे हैं और उस हिसाब से रिपोर्ट बना के हम राइट टू पी कैंपेन को और आगे लेके जाने की कोशिश करने वाले हैं अमित सर हम लोग कहीं ना कहीं नागपुर अब मेट्रो सिटी में अमित सर मैं ये पूछना चाहूंगी कि नागपुर कहीं ना कहीं अब मेट्रो सिटी बनने वाला है बन चुका है अधिक तौर पर काम हो चुका है लेकिन शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए कहीं ना कहीं इस राइट की बहुत ज़रूरत है आपको क्या लगता है देखिए हमने जो अभी मुहिम शुरू की है राइट टू पी तो हम हमारे दिमाग में ये संकल्प न थी कि हम नागपुर सिटी को नंबर वन बनाने की तरफ जा रहे हैं हम लोग दिखा रहे हैं कि यहाँ पे मेट्रो का विस्तार इस तरीके से हो चुका है तो ये ऐसी हो रहा है मुझे कहने के लगता है कि एक किताब है तो किताब के कवर को तो हमने सजा दिया है लेकिन जब किताब के पन्नों को हम उलटते जा रहे हैं तो वह हमें बहुत सी समस्या जो जन समस्या है वो नज़र आ रही है तो राइट टू पी कैंपेन हमने सिग्नेचर कैंपेन इसलिए शुरू किया है नागपुर सिटीज़न फोरम के तरफ से कि लोगों को जो मार्केट में लोग जब जाते हैं या वहाँ जो व्यापारी वर्ग काम करता है और स्पेशली मैं बात करना चाहूँगा जो महिला वर्ग है हम लोगों ने जब प्रत्यक्षिक उन लोगों से बात की कि उनकी क्या समस्या है हमको हमें भी ये अंदाज़ा नहीं था कि वो किस तरह से रिएक्ट हो लेकिन हम लोग काफ़ी सरप्राइज हुए कि जिस तरीके से उन लोगों ने उनकी जो समस्याएँ है कि अगर पब्लिक एरिया में या मार्केट में एक लेडीज़ है और उन्हें यूरिन के लिए अगर जाना है कहीं तो वो किस तरीके के तकलीफ का सामना करते हैं जो दुकानों में लड़कियां काम करती हैं उनका कहना था कि हम लोग दिन में पानी ज़्यादा नहीं पी सकते पानी क्यों नहीं ज़्यादा पी सकते अगर पानी उनको ज़्यादा पीना पड़ेगा तो टॉयलेट के लिए जाना पड़ेगा अब टॉयलेट के लिए जाना पड़ेगा तो टॉयलेट ऐसे नहीं है कि वो दुकान से बाहर निकलेगी या उनके शॉप में टॉयलेट है अब मैं अगर सिर्फ सीतापटी मेन मार्केट मोदी नंबर एक दो और तीन की बात करूँ वहाँ पे जो महिला वर्ग है जो कर्मचारी है जो काम करते हैं उनके लिए अगर इस समस्या की बात की जाए तो हम पहली बात करेंगे यशवंत स्टेडियम के पास में एक पब्लिक टॉयलेट है दूसरा आनंद भंडार जो मेन बड़ी एरिया के अंदर है वहाँ पर है और तीसरा जो फुल मार्केट है वहाँ पर है हम लोगों ने खुद जाकर जो वहाँ पर टॉयलेट्स है वो देखे तो वहाँ की परिस्थिति ऐसी है कि जो महिला है वो तो जा ही नहीं सकती अगर पुरुष भी जाए तो जिस काम के लिए वो वहाँ जाएंगे वो बिना कि वापस आना पड़ेगा इतनी गंदगी वहाँ पे फैली हुई है तो ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक ड्रॉबैक मनपा का कहा जाएगा कि हर साल अगर फंड रेज होता है तो यूज़ क्यों नहीं हो रहा है जितना भी पब्लिक टॉयलेट्स है उसका यूज़ अगर सही तरीके से हो तो मुझे लगता है आम जनता को उसकी काफ़ी सुविधा होगी आ, अभी जी सर मैं ये पूछना चाहूंगी कि कहीं ना कहीं नागपुर लोगों को मैं बताना चाहूंगी राइट टू पी अब आप समझ गए होंगे कि कैंपेन क्या है राइट टू पी आप लोगों के लिए वो कैंपेन है कि एक शहर में एक स्वच्छ और यूज करने लायक प्रसाधन गृह जो है वो बनाया जाए क्योंकि आजकल हम आ, मार्केट की ओर जब रुक करते हैं तो कई बार ऐसी चीजें हो जाती हैं बट ठीक है जो मार्केट शॉपिंग करने के लिए जा रहा है वो तो एक बार कंट्रोल कर भी ले। लेकिन जो वहाँ काम करता है जो दुकानों में जो एम्प्लॉइज हैं जो वर्कर्स हैं उनके लिए बड़ी दिक्कत होती है एज अ सिटीजन मैं भी अगर मुझे भी इमरजेंसी अगर रास्ते पर होती है तो मैं

एक जो मूलभूत सुविधाओं के नाम पे जो नागपुर महानगर पालिका की ज़िम्मेदारी और जवाबदेही है जनप्रतिनिधियों की कि सार्वजनिक जगहों पे जो मेन मेन मार्केट प्लेसेस हैं वहाँ पर अगर इस प्रकार अगर हमारे जो बोल सकते हैं हैं बहनें हैं जो वहाँ पे आ, काम करती हैं या फिर जो वहाँ पर मार्केटिंग के लिए जाते हैं अगर उन्हें प्रॉपर अगर आप सिर्फ़ और सिर्फ बोल सकते हम टॉयलेट्स नहीं प्रोवाइड कर सकते जो हाइजीनिक हो या फिर वहाँ पे सारी सुविधाएं मौजूद हो तो मुझे ऐसा लगता है कि एक ट्रू सेंस में शहर को आप किस माइंडसेट से स्मार्ट सिटी आप कह रहे हैं क्योंकि मुझे ऐसा लगता है इक्कीसवीं सदी में हम जब बहुत ज़्यादा जन जागरूकता कर रहे हैं बड़े बड़े योजनाओं की घोषणा कर रहे हैं बड़े बड़े हम बोल सकते हैं इनिशिएटिव ले रहे कि हमें स्मार्ट सिटी बनाना है हमें बहुत डेवलप्ड एक बोल सकते सिटी बनना है इन थ्रू आउट इंडिया तो मुझे ऐसा लगता है कि नागपुर में अगर इस प्रकार की दयनीय परिस्थिति है तो एक बहुत ही चिंता का विषय है और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है इच्छा शक्ति की कमी जो हमारे जनप्रतिनिधियों की बोल सकती है प्रशासन की बोलती है वही मूलतः इस सारी परिस्थिति के लिए ज़िम्मेदार है क्योंकि आप सिर्फ़ और सिर्फ कागजी घोषणाएं कर सकते हैं सिर्फ़ और सिर्फ़ फंड एलोकेट कर सकते हैं लेकिन उससे वास्तविक परिस्थिति जो ग्राउंड की रियलिटी है वो चेंज नहीं होगी जब तक आप प्रॉपर प्लानिंग के साथ एग्जीक्यूट नहीं करेंगे ऐसे एनॉर्मस एग्ज़ाम्पल्स हैं जहाँ पर जो बेसिक फैसिलिटी के नाम पे सिर्फ़ और सिर्फ खाना पूर्ति की जाती है सिर्फ और सिर्फ़ लिपा पोती की जाती है और मैं बहुत हैरान हूँ कि इस इनिशिएटिव कैंपेन के बाद में जिस प्रकार का हम बोल सकते हैं पॉजिटिव माइंडसेट के साथ एडमिनिस्ट्रेशन के पार्ट में बोलिए या फिर जनप्रतिनिधि के पार्ट में बोलिए उन्होंने अपना बोल सकते वक्तव्य करना चाहिए या फिर अपनी जो एक उनके तरफ से जो पॉइंट ऑफ ओपिनियन आने को सुनने को चाहिए कि नहीं हाँ सही में देखिए एट द दे एंड अगर कुछ चीज़ें की कमी है और अगर सामाजिक संगठन होने के नाते हम एक नागपुरकर होने के नाते वो बता रहे हैं तो उसे सकारात्मक मानसिकता के साथ में प्रशासन ने भी जनप्रतिनिधियों ने भी महापौर जी ने हर व्यक्ति ने लेना चाहिए क्योंकि उससे संपूर्ण शहर का और यहाँ की जो महिला शक्ति है जो मातृशक्ति है जो हमारी माताएँ बहनें हैं व्यक्तिगत रूप से मेरे परिवार से लेकर संपूर्ण नागपुर शहर की जो मातृशक्ति है उनके लिए एक बड़ा सा एक समस्या आज शहर में उत्पन्न हो चुका है क्योंकि सार्वजनिक स्थलों पर आज टॉयलेट्स मौजूद नहीं है लेकिन जब हमारे इस इनिशियटिव के ऊपर में नागपुर शहर के प्रथम नागरिक महापौर जी को टीका टिप्पणी करने के लिए पूछा गया तो उनका कहना था कि आम नागरिक कॉमन पब्लिक इसका विरोध करती है मैं बहुत हैरान हूँ और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि महापौर जी सिर्फ और सिर्फ पासिंग ऑन द बॉल का जो एक काम है वो करने का प्रयास कर रहे हैं जब पिछले माजी महापौर आदरणीय संदीप जोशी जी ने यह बहुत ही विनम्रतापूर्वक कहा था कि हम आने वाले समय में शॉर्ट टॉयलेट बनाएंगे तो उसकी रियलिटी चेक होनी चाहिए कि वो एजिफ नाव क्यों नहीं बने कहाँ पर अटका है फाइल या फिर ऐसा भी तो नहीं कि जिस प्रकार से अभी कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि घोटालों का एक सिलसिला चला है फाइल के नाम पे फाइल प्रिपेयर हो गई अलॉट हो गई टेंडरिंग हो गई बिल पास हो गई कहीं ऐसा तो झोल झाल नहीं है इस विषय को लेकर कहीं ना कहीं एक सकारात्मक भूमिका आदरणीय महापौर जी से लेकर संपूर्ण सत्ता पक्ष हो विरोधी पक्ष हो जनप्रतिनिधि हो ओवरऑल उन्होंने शहर के प्रोस्पेक्टिव में लोगों के वेलफेयर के लिए एक पॉइंट ऑफ ओपिनियन रखना चाहिए और एक माइंडसेट होना चाहिए कि हाँ अगर पब्लिक टॉयलेट्स सार्वजनिक स्थलों पर नहीं है तो उसे तत्काल इनेक्ट किया जाए और प्रॉपर्ली एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कोऑर्डिनेट करके जहाँ जहाँ पर नागपुर महानगर पालिका के खुद के ओपन स्पेसेस है वहाँ पर प्रॉपरली उसको बनाया जाए और बनाने के साथ साथ सिर्फ उद्घाटन तक नहीं सीमित रखा जाए उसको प्रॉपर अच्छा स्वच्छ रखा जाए मेंटेन किया जाए रख रखाव किया जाए इसकी भी जिम्मेदारी नागपुर महानगर पालिका ने लेनी चाहिए क्योंकि एट द एंड शहर में जो कुछ भी हो रहा है वो आम नागपुर कर टैक्स पेयर्स के पैसों चोर रहा है तो उसकी भी देखभाल करना हम सभी की जिम्मेदारी बनती है सर कहीं ना कहीं एन एम सी के पास एक सेपरेट फंड होता है कंस्ट्रक्शन के लिए पब्लिक टॉयलेट के लिए और जैसे कि कि आपने कहा कि दो साल पहले भी ये घोषणा की गई थी कि पब्लिक टॉयलेट बनाए जाएंगे लेकिन वो घोषणा कहते ना कि वो वहीं की वहीं रह गई जैसा आपने सही कहा तो फंड तो होता है बट ये कंस्ट्रक्शन तक नहीं पहुँचता और वो फंड का फिर क्या होता है जैसा आपने सवाल पूछा मैम मुझे ऐसा लगता है एक अमूमन देखा गया है कि ने, नेता जो नेता जो एक बोल सकते हैं ना एक कल्चर है वो आश्वासन और घोषणाएं करने में एकदम बहुत आगे रहते हैं उसकी वास्तविक क्या रियलिटी है ग्राउंड प्रस्पेक्टिव क्या है क्या एक्सपेंसेस रहेंगे वो सीरियसली वो एफर्डेबल है या फिर वो फ्रूटफुल रिज़ल्ट आउटपुट निकलेगा नहीं निकलेगा उसके पीछे वो नहीं जाते और नागपुर शहर की वास्तविकता जो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे आम तौर पर नेता मंडली सिर्फ और सिर्फ घोषणाएँ है करते हैं उसकी वास्तविक जो रियलिटी है उसके पीछे वो स्टडी नहीं करते और उसी का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि पब्लिक टॉयलेट्स के संदर्भ में भी वो सीरियस नहीं है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि नागपुर महानगर पालिका हो या एडमिनिस्ट्रेशन हो वो टैक्स पेयर्स के पैसों को वाइजली यूज़ अगर करती तो ये सारी जो बेसिक फैसिलिटी है मैं इसलिए बोल रहा हूँ ये मूलभूत सुविधाएं हैं जो हर नागरिक का अधिकार है और नागपुर महानगर पालिका ने ज़िम्मेदारी के साथ में जनप्रतिनिधियों ने जवाबदेही के साथ में ये संकल्प लेना चाहिए कि हर क्षेत्र में जहाँ पे सार्वजनिक स्थल है वहाँ पे टॉयलेट हमें बनाना चाहिए लेकिन ये बहुत दुख की बात है और हमें कभी कभार बहुत आश्चर्य भी लगता है कि नागपुर महानगर पालिका बोलिए या फिर जो विराजमान लोग हैं उनकी प्रायोरिटीज़ क्या है क्योंकि तो प्रायोरिटीज़ में अगर आपकी ये सारी चीज़ें होंगी तो अभी तक इनैक्ट करके एग्जीक्यूट हो जाए क्योंकि तो हर साल आप फंड एलोकेट करते हर साल आप बजट पेश करते लेकिन वो बजट के करोड़ों रुपए जाते कहाँ हैं इसकी जो एक बोल सकते हैं हम जो एक बहुत बड़ा एक सर्कल है उसकी मूल रूप से मुझे ऐसा लगता है कि सत्ता पक्ष विरोधी पक्ष और प्रशासन उनके बीच में इस प्रकार का शार्टघाट बना हुआ है कि वो इन सारे विषयों पे मुझे नहीं लगता है कि सकारात्मक दृष्टिकोण से देखते भी हैं और इसलिए उसका नतीजा है कि घोषणा किया माजी महापौर जी ने अभी विद्यमान महापौर जी का भी कार्यकाल समाप्ति की ओर है लेकिन शहर में एक भी सार्वजनिक टॉयलेट जो वस्तु स्थिति है वो दयनीय है और जो शॉर्ट टॉयलेट बनाने की घोषणा हुई थी वो भी सिर्फ ऑन पेपर है ग्राउंड पर नहीं है वही मैं कह रही हूँ कि जब प्रशासन अपने कामों में ढीला पड़ जाता है तो फिर आ, हम जैसे लोग एन ये सारे कामों का बीड़ा उठाती है ऐसे ही रोटरी क्लब ने भी बीड़ा उठाया था और टॉयलेट्स बनाए थे लेकिन फंड्स के वजह से वो टॉयलेट्स भी शायद बंद हो गए इस पर आपका कहना देखिए मैम इसमें ऐसी है जब हम लोगों ने सर्वेक्षण किया राइट टू पी इस अभियान के अंतर्गत तो हम लोगों ने ये पाया कि नागपुर की जनसंख्या को देखते हुए अभी वर्तमान स्थिति में अड़सठ टॉयलेट्स पब्लिक टॉयलेट्स नागपुर में मौजूद है उस अड़सठ पब्लिक टॉयलेट में से छप्पन टॉयलेट पब्लिक टॉयलेट ऐसी है जहाँ हमको पे एंड डू की फैसिलिटी दी गई है लेकिन जब हम लोगों ने यह सर्वेक्षण किया तो ये पाया कि जो छप्पन पे एंड डू पब्लिक टॉयलेट्स है वहाँ पे गंदगी का इतना इतनी गंदगी है वहाँ पर कि हाइजीन की अगर हम लोग बात की जाए और ख़ासकर महिलाओं के लिए हम लोग बा, मैं बार बार इसलिए महिलाओं का जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि अगर किसी पुरुष की बात की जाए तो वो किसी तरह इस चीज़ को ये कर सकता है लेकिन मार्केट में अगर महिलाएं जाए या किसी मॉल में जाए या बाकी परिसर में जाए तो अगर गंदगी रहेगी तो ये महिला के उस महिला के स्वास्थ्य के लिए भी बिल्कुल ठीक नहीं रहेगा तो लास्ट ईयर जैसी अभिजीत जी ने बताया कि माननीय पूर्व महापौर संदीप जोशी जी ने ये वादा किया था कि नागपुर में इसके अलावा जो अभी अड़सठ टॉयलेट है इसके अलावा सौ और टॉयलेट स्पेशली महिलाओं के लिए बनाए जाएंगे और कुछ एन भी थे जिन्होंने इस मुद्दे को उठाया था और उसके बिहा पे जो बॉम्बे हाईकोर्ट है उन्होंने डायरेक्ट किया था जो सिविक बॉडी है हमारी लेकिन उन लोगों ने इसको बिल्कुल फॉलो नहीं किया और पूरी तरीके से अनदेखा किया मुझे लगता है अगर इस पर सिविक बॉडी काम करती तो आज कुछ नतीजा हम नागपुर का लोगों के सामने रहता था उसी तरह रोटरी क्लब ने महिलाओं के लिए पंद्रह टॉयलेट का चयन करके उनकी शुरुआत भी की थी लेकिन माननीय जो अभी हमारे वर्तमान में महापौर जी है दयाशंकर तिवारी जी उनका कहना है कि फंड के वजह से वो टॉयलेट को बंद करना पड़ा तो मेरा सीधा सा यह प्रश्न है कि अगर हर साल आप नागपुर का महानगर पालिका के बजट की अगर बात करें तो बहुत आंकड़ों आंकड़े मैं आपको नहीं बता सकता आपको पता है क्योंकि वो आंकड़े दर्शाए जाते हैं लेकिन जोन वाइज जो अमाउंट होता है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है हर जोन को कि जो पब्लिक यूटिलिटी है या पब्लिक टॉयलेट है उस पर काम किया जाए लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है लास्ट ईयर जो इन लोगों ने वादे किए थे वो अभी तक पूरे नहीं किए शायद वो पूरा करते तो जिस तर, जिस तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं स्मार्ट सिटी की तरफ तो सही में हम लोग स्मार्ट सिटी की तरफ बढ़ते थे और इसका फ़ायदा सभी नागरिकों को होता था इतनी फैसिलिटीज़ की जब हम बात करते हैं और हमारे नागपुर को हम कहीं ना कहीं एक अलग लेवल पर देखना चाहते हैं अब तो मेट्रो भी दौड़ने लग गई है तो ये फैसिलिटी जब इतनी इम्पॉर्टेंट है तो इस तरफ इतना नज़रअंदाज क्यों क्या लगता है कारण हो सकता है देखिए कि आ, जैसे हम देखेंगे तो जैसे अभिजीत भैया ने कहा अमित भैया ने कहा प्रायोरिटी का सवाल है अगर इस विषय को अगर प्रायोरिटी देते इसे अगर जिम्मेदारी समझते तो शायद ये बहुत पहले बन गया होता 2014 तक हम अगर देखें तो इंदौर की भी परिस्थिति ऐसी ही थी लेकिन अभी अगर आप देखेंगे तो कम्प्लीटली बहुत बड़ा चेंज वहाँ पे आ चुका है उन्होंने एक बहुत अच्छा सिस्टम बनाया हुआ है भले वो वेस्ट मैनेजमेंट को के रिलेटेड हो या पब्लिक यूटिलिटी पब्लिक टॉयलेट के रिलेटेड हो अब वो प्रोजेक्ट ऐसा है कि पब्लिक और प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज का जो उन्होंने पार्टिसिपेशन करवाया है नगर निगम में तो उसी की वजह से बहुत सी चीज़ें वहाँ पे बदलाव आना शुरू हुआ है जैसे देखा जाए तो यहाँ पे भी अगर उन्होंने इस विषय को के रिलेटेड किसी पब्लिक या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को पार्टनर करके अगर कुछ प्रोजेक्ट चलाया होता तो शायद यहाँ पे भी अच्छे रिजल्ट्स आए होते लेकिन किसी ने वो इनिशिएटिव लिया ही नहीं जैसे अभी आ, हमारी बात चल रही थी कि भूतपूर्व महापौर जी आदरणीय संदीप जोशी जी ने भी ये विषय लिया था विद्यमान महापौर जी दयाशंकर तिवारी जी ये कह रहे हैं कि हमारे पास जगह ही नहीं है पब्लिक टॉयलेट्स बनाने के लिए तो मैं एक मॉडल बना बना बताना चाहूँगा मैं एक रिपोर्ट इसके लिए रिलेटेड बना ही रहा हूँ तो एक एक बहुत अच्छी अच्छा सिस्टम हैदराबाद में बनाया गया है महिलाओं के लिए उसमें उन्होंने जितनी भी बसेस हैं जो कि यूज़ में नहीं है उन बसेस में बहुत अच्छी तरीके से टॉयलेट्स बनाए गए हैं महिलाओं के लिए तो हमारे पास भी कई स्टार बस हैं जिसका हम यूज़ यहाँ पे कर सकते हैं और वहाँ पे भी पब्लिक टॉयलेट्स बना सकते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से क्लीन उसमें सैनिटरी पैड्स का वेंडिंग मशीन भी रख सकते हैं और चेंजिंग रूम भी बना सकते हैं ऐसा भी सिस्टम हैदराबाद में बनाया गया है नवी मुंबई में भी ऐसे कई टॉयलेट्स बनाए गए हैं जो एस शेप्ड हैं मतलब वहाँ पे डायरेक्शन दोनों तरफ से एक तरफ से आ, मेल के लिए और दूसरी तरफ से फीमेल्स के लिए आ, एक टॉयलेट का फैसिलिटी उन्होंने प्रोवाइड किया है ऐसे कई टॉयलेट्स की फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं लेकिन मेन चीज़ यही है कि उन्होंने इसे प्रायोरिटी देना ज़रूरी है वो अगर इसे प्रायोरिटी ही नहीं समझते हमारे जितने भी सत्ताधारी पक्ष के लोग हैं या विरोधी पक्ष के लोग हैं वो अगर इसे प्रायोरिटी नहीं समझते तो हमें ही हम हम जैसे एनजीओ को ही ऐसे विषय आगे लेके आने पड़ेंगे और हमें ही इनको रिपोर्ट भी सबमिट करना पड़ेगा कि ये इस प्रकार से कीजिए तब जाके कहीं ना कहीं बदलाव आना शुरू होगा प्रायोरिटी यहाँ पे अगर देखा जाए तो हमने जब जैसे जैसे हम, हाँ जैसे जैसे हमने विषय रखे नागपुर सिटीज़न फोरम के थ्रू शुरुआत में हमने खड्डों का विषय लिया उसके बाद में वेस्ट मैनेजमेंट का विषय लिया उसके बाद में अभी हम लोग राइट टू पी पे आए तो हमारा जो एक्सपीरियंस रहा है खड्डों से लेके वेस्ट मैनेजमेंट तक हमने जब विषय उठाए तब जाके एनएमसी एन ने कुछ काम किया है तो अभी ऐसी एस, आशा में रखता हूँ कि राइट टू पी में भी जो जो भी हम स्वाक्षरी मुहिम चला रहे हैं उसके बाद जो भी रिपोर्ट हम एन को सबमिट करेंगे अगर हो सके तो हम लोग वेंडर्स भी आइडेंटिफाई करके दे सकेंगे तो इस प्रकार से जब हमारा एक रिपोर्ट एनएमसी एन एम तक जाएगा तो हम ये आशा रखते हैं हम सभी लोग कि एन इस पर भी कुछ काम करेगी और इसे प्रायोरिटी देगी विरोधी पक्ष का भी हमें सहयोग मिले सत्ताधारी पक्ष का भी हमें सहयोग मिले बिकॉज ज़रूरी है कि लोगों आप जिन जिनके वोट से आप यहाँ पे पहुँचे हैं उनके लिए अगर आप मूलभूत सुविधाएं नहीं प्रोवाइड करेंगे तो शायद हमें कुछ लोगों का ऐसा फीडबैक भी मिला सर्वे करते वक्त कि हम लोग इस बार वोट भी नहीं दें अगर हमें पब्लिक टॉयलेट्स प्रोवाइड नहीं करेंगे एनएमसी के लोग या प्रशासन तो हम इस बार वोट भी नहीं करेंगे ऐसी भी प्रतिक्रिया कई महिलाओं की आई तो आ, मुझे लगता है कि प्रायोरिटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है वेरी टू से क्योंकि ऐसी स्थिति आ पड़ी है कि लोग अब इस तरह से बातें कर रहे हैं कि अब वो वोट नहीं देंगे जो कि बहुत बड़ी बात है आ, मैं आपके फोरम की बात पूछना चाहूँगी कितने लोगों का कॉन्ट्रीब्यूशन और किस तरह से लोगों का सहयोग मिल रहा है क्या और एनजी भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं किस तरह का प्रोसेस है ये राइट टू पी यस फोरम की शुरुआत हमारी सितंबर 2020 में हुई थी कोविड के वक्त से और तब से अभी तक हमारे साथ 250 एक्टिव पार्टिसिपेंट्स जुड़े हुए हैं अब देखा जाए तो हमने तब से लेके अभी तक मेडिसिन बैंक हो या रोड से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हो या फिर वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हो या अभी राइट टू पी हो और आगे भी हम लोग कई अलग अलग विषयों पे एक्टिविटीज़ करते रहेंगे लोगों लोगों के लिए हम लोग लड़ते रहेंगे तो आ, लोग जुड़ते जा रहे हैं इसके थ्रू हम मैं अपील भी करना चाहूँगा इस फोरम में ऐसा है कि नागपुर के सभी नागरिक जुड़ सकते हैं इस फोरम में कोई ब्रैकेट्स नहीं है कोई लिमिटेशन नहीं है आप सभी लोग जुड़ सकते हैं और मैं तो ये भी कहना चाहूँगा कि नागपुर के सारे लोग इस फोरम का पार्टी फोरम के सहभागी हैं इस फोरम में हैं अब भले ही वो एक्टिव ना हो लेकिन मैं आ, अगर ये नागपुर सिटीजन फोरम है तो वो उन्हीं के लिए और वो इनडायरेक्टली इस फोरम में आते हैं तो इस फोरम में अब तक जितने भी काम किए हैं मैं नागपुर के सिटीजन्स तक हमने वो अलग अलग माध्यम से हमने वो हर एक नागपुर सिटीज़न तक पहुंचने की कोशिश की है आपके माध्यम से भी मैं अपील करूंगा कि इस इस फोर इस कैंपेन में भी राइट टू पी जो कैंपेन है ये नागपुर के लोगों के लिए तो नागपुर के हर एक इंसान ने इससे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जुड़ना बहुत ज़रूरी है तभी जाके कुछ बात बनेगी तभी जाके एक बदलाव हम लोग ला पाएंगे तो आपके माध्यम से वही एक रिक्वेस्ट मेरी रहेगी वही एक अपील रहेगी कि सब लोग हमारे साथ जुड़े आ, इसका एक ही पड़ाव अब तक हुआ है हमने सीताबर्डी मार्केट कवर किया है कल हम लोग इतवारी मार्केट भी कवर कर रहे हैं तो अगर आप तक ये न्यूज़ तब तक पहुंचती है तो सभी नागपुर के वासियों को मैं यहाँ से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप इतवारी मार्केट में आएँ हमें सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर इसमें जुड़ते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का सिग्नेचर हम तक मिलता है तो हम प्रशासन को भी ये बता पाएंगे कि लोग भी इसे समर्थन दे रहे हैं तो ये बहुत ज़रूरी है ये स्वाक्षर अभियान किस तरह से चलाया जा रहा है और किन किन एरियाज़ को फोकस किया जा रहा है क्योंकि एनालाइज करना भी बहुत ज़रूरी है कि जहाँ बहुत ज़रूरत है वहाँ तक ये कैंपेन पहुँच सके देखिए जब जब हम लोगों ने इस अभियान की शुरुआत की राइट टू पी सबसे पहले हम लोगों ने ये सोचा कि जो पब्लिक टॉयलेट से उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत कहाँ होती है तब हम लोगों ने ये पाया कि जो शहर के मुख्य बाज़ार है जैसे हम लोग बात करें सीताबड़ी महल इतवारी इन जगहों पे हमने देखा कि बहुत ज़्यादा लोगों को पब्लिक टॉयलेट्स का नहीं होने की वजह से दिक्कत आती है जब हम लोगों ने अपना पहला अभियान चलाया मंगलवार को सीताबढ़ी मार्केट में लोगों के हमें ये व्यूज़ आए और अभी मैंने सुबह पढ़ा अभी कि हमारे महापौर जी का एक स्टेटमेंट आया है कि जब हम लोग पब्लिक टॉयलेट्स की बात करने जाते हैं या कहीं उसको कंस्ट्रक्ट करने की बात होती है तो लोगों का ही जो सामान्य लोग होते हैं उनका ही विरोध होता है अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम किस तरीके से काम कर रहे हैं हम लोगों ने क्या किया है एक कैंपेन चलाया है इसका सिग्नेचर कैंपेन चलाया है हम लोगों लोगों के बीच जाकर उनसे बात कर रहे हैं कि अगर यहाँ इस परिसर में आप काम कर रहे हो और यहाँ पब्लिक टॉयलेट नहीं है तो आपको किस चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है ये पूछने के बाद लोगों के जो रिएक्शन हमें मिले कि सबसे पहले तो जो पब्लिक टॉयलेट्स हैं वो साफ़ सुथरे होना चाहिए जिसका उपयोग सभी कर पाए दूसरा अगर मार्केट एरिया की हम लोग बात करें वहाँ पे पब्लिक टॉयलेट्स ना के बराबर है अगर नागपुर की जनसंख्या अभी देखी जाए उस हिसाब से अड़सठ सिर्फ टॉयलेट की मैं बात करूँ तो ये कुछ भी नहीं है तो मैं नागपुर महानगर पालिका को ये विनती करना चाहूँगा कि आप मार्केट एरिया के ऊपर फोकस करें कुछ लोगों का तो हमें ये तक कहना था कि वो लोग अपनी ज़मीन देने को तैयार है लेकिन कोई आए तो आगे बात तो हो देखिए हम सिर्फ सामान्य जनता की आवाज़ ऊपर तक पहुंचा सकते हैं लेकिन ये चीज़ अगर प्रशासन ने भी ये दावित दायित्व निभाते हुए अगर काम किया रहता तो मुझे लगता है सामान्य लोगों का विश्वास में लेकर काफ़ी प्रगति अभी तक हो चुकी होती तो लोगों का यही कहना था कि वो जगह देने को तैयार है मैं माननीय महापौर को कहना चाहूँगा कि आपका जो स्टेटमेंट था कि लोग इसका विरोध करते हैं तो सर ऐसा नहीं है जब तक आप जनता के बीच में जाकर जनता को विश्वास में लेके ये सब चीज़ें आप नहीं बताएंगे तब तक जनता आपके साथ नहीं चलेगी तो लोगों का तो बिल्कुल ये कहना था कि जब तक पब्लिक टॉयलेट नहीं हो गए तो इस बार वो वोट के लिए भी काफ़ी सोचेंगे जो आने वाले इलेक्शन है उसके लिए तो अभी हम आगे की अभी ये कल हम लोग महल जो इतवारी में करने वाले हैं उसके बाद कुछ और मुख्य जो बाज़ार है वहाँ पे ये कैंपेन चलाने वाले हैं जहाँ से लोगों के व्यूज़ हम लेंगे और एक हमारी टीम हम लोगों ने ऐसी बनाई है जो जहाँ पे पब्लिक टॉयलेट्स है और स्वच्छ है जहाँ पे लोग उसका यूज कर सकते हैं तो वो किस तरीके से वहाँ काम हो रहा है या वहाँ की जो महानगर पालिका है वो किस तरीके से काम कर रही है उसके ऊपर हम एक विस्तृत रिपोर्ट बनाएंगे और वो रिपोर्ट हम लोग जल्दी ही एनएमसी को सौंपने वाले ताकि वो लोग भी उसका कुछ प्रारूप लेके काम कर सके आई थिंक दिस इज द थिंग जहाँ पर हमें लाइट लाने की बहुत ज़रूरत है आ, वो कहते हैं ना कि वी शुड ब्रिंग लाइट ऑन दिस टॉपिक और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ये लोग आ, सर कहीं ना कहीं जब महिलाओं की बात छेड़ी गई है और महिलाओं के अधिकारों की जब बात आती है तो ये अधिकार तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मुझे लगता है सिर्फ राइट टू पी नहीं हमें ऐसे मेडिकल एवरी मंथ बहुत सी चीज़ें देखनी होती हैं जिसके लिए हमें बहुत ज़रूरी है कि ऐसे राइट्स हमें मिले क्योंकि मंथली प्रॉब्लम्स एक ऐसी एक ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत आ, प्रॉब्लम्स हो सकती हैं अगर आपको इस तरह का टॉयलेट अवेलेबल ना हो शायद आप में से दर्शक कई ये चीज़ समझ सकते होंगे और जो काम कर रहा है जो वर्कर्स हैं जो एम्प्लॉयज़ हैं जो मार्केट में काम करते हैं उनके लिए कितनी बड़ी दिक्कत है ये तो आप जानते होंगे अगर आप इस अभियान से जुड़ना

के नाम पर जो हम अनेक योजनाएं चलाते हैं अनेक घोषणाएं करते हैं मुझे ऐसा लगता है व्यक्तिगत रूप से एक नागपुर करके नाते हमारे नागपुर शहर में जितने भी माताएं हैं बहनें हैं बड़े हैं बुज़ुर्ग हैं उनको इस प्रकार की जो मूलभूत सुविधाएँ हैं वो तत्काल प्रदान करना आपकी जिम्मेदारी है और निरंतर लोगों के विषय के लिए नागपुर सिटीजन फोरम हमेशा प्रयास करता रहेगा और आने वाले दिनों में जो जनहित विषय हैं उसके सकारात्मक समाधान के लिए हम संघर्ष भी करेंगे और सभी नागपुर वासियों से भी हम आग्रह करना चाहेंगे निवेदन करना चाहेंगे कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं एक टैक्स पेयर्स को मिलने चाहिए वो हमारा अधिकार है उसके लिए हमने जन जागरूकता के साथ साथ अपने आवाज़ को बुलंद करना है हमें अपने जनप्रतिनिधियों से सवाल पूछना है अगर हम अच्छा स्वच्छ सुंदर नागपुर बनाना चाहते हैं तो हमें मिलकर वासियों को संगठित होकर एक बुलंद आवाज में एकजुट होकर हमें अपने अधिकारों के लिए सवाल पूछने पड़ेंगे मुद्दे के लिए लड़ाई लड़ने होंगे और अंत में जब तक हम संघर्ष नहीं करेंगे तब तक हमें सुचारू रूप से जो बोल सकते हैं जो पब्लिक टॉयलेट्स का विषय हो या अनेक विषय जिसके लिए हम निरंतर आवाज़ उठाते हैं नागपुर चिल्ड्रेन फोरम सवाल उठाती है उसके लिए हमें खुद एक नागरिक के नाते भी अपनी जिम्मेदारी समझते हुए हमें सवाल के साथ साथ संघर्ष भी करना पड़े तो हमें तैयार रहना पड़ेगा तब जाकर सही मायने में इस शहर का सर्वांगीण विकास संभव है और ट्रू सेंस में मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जनप्रतिनिधियों ने प्रशासन ने संपूर्ण शहर की जनता को विश्वास में लेते हुए आने वाले दिनों में ये जो पब्लिक टॉयलेट्स का एक बहुत बड़ा विषय हम सभी के सामने है उसके संदर्भ में हमें एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ एक सेंसिबल अप्रोच के साथ हमें एक प्लान और लेआउट तैयार करना चाहिए और बिना विलंब के आदरणीय महापौर जी इस संपूर्ण प्रारूप को एक बोल सकते हम हाई लेवल मीटिंग कॉल करके डिफरेंट एन को बुला के आप नागरिकों की समस्याओं का संज्ञान लेंगे ये संपूर्ण शहर के नागपुर वासियों के तरफ से मैं आपसे विनम्रता पूर्वक निवेदन करता हूं और आने वाले दिनों में इस समस्या का समाधान होगा ऐसी हम आशा और अपेक्षा रखते हैं जय हिंद जय महाराष्ट्र तो दर्शकों जैसे कि हम छोटी छोटी चीज़ों पे बहुत आवाज़ उठाते हैं वी मेक सो मच नॉइज़ जब हम अपनी राइट्स की बात करते हैं एंड करना भी चाहिए ये आपका राइट है और आपको राइट के लिए लड़ना भी चाहिए बट मैं कहूँगी कि ये एक ऐसा राइट है जो महिलाओं को इसके लिए आगे आने की बहुत ज़रूरत है राइट टू पी एक ऐसा कैंपेन है जिसके लिए आप आगे आएंगी तो ये आपके लिए और आपके फ्यूचर के लिए और आने वाली जनरेशन के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा एक स्वच्छ सुंदर नागपुर की जो हम सपना देखते हैं वो पूरा तभी होगा जब हम राइट टू पी कैंपेन को सक्सेसफुल बनाएंगे बिकॉज आई थिंक कि क्लीन सेफ एंड फ्री टॉयलेट इज अ राइट फॉर एवरी 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 टैक्स पेयर सिटीजन आज स्पेशल में बस इतना ही फिर मिलेंगे किसी और शख्सियत के साथ तब तक दीजिएगा इजाज़त नमस्कार